गर फिरदौस बरूए जमीनस्त, हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। मतलब धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ऐसी है कश्मीर की खूबसूरती, जिसने एक शहंशाह तक को इसकी तारीफ करने पर मजबूर कर दिया। लगता है मानो खुदा ने सारी मेहनत सिर्फ कश्मीर को सजाने में ही लगा दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई का मेल भी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। फिर चाहे बात हो मखदूम साहिब की दरगाह की, ये असली इनका जन्म हुआ है सुपुर किजरी शरीफ का ही। किजर में यहाँ से कोई सत्तर मील दूर, फिर वहाँ से यहाँ इन्होंने तशरीफ लाया। इनका मेला 24 सफर में, या कश्मीरी पंडितों की कुल देवी माँ शारिका। हरी पर्वत पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का एक साथ होना अपने आप में ही मिसाल है। जिस तरह अलग अलग धर्मों को कश्मीर में बाइज्जत संभाला हुआ है, इसको इधर हो गए यहाँ से 1111 हिजरी से, ये इधर है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोई मुकद्दस है, इसको सब जियारत फेज हो जाते हैं। पर्यटन ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि इस जन्नत का लुत्फ उठाने का मौका कोई भी गंवाना नहीं चाहता। हालांकि हालात बिगड़ने का असर भी पर्यटन पर पड़ता ही है, मगर फिर भी पिछले 2 सालों से इसकी स्थिति में काफी सुधार भी देखा गया है। What all the changes you are seeing here in Kashmir after 30 years you have visited to? Usually more buildings. I haven't looked around enough to tell the changes. The airport has changed. We came yesterday. Okay, sir. Yeah. And sir, regarding any securities and all, it looks fairly secure. और अगर बात की जाए शालीमार गार्डन की, तो यहाँ के इतिहास में भी कई दिलचस्प पहलू हैं, जो लोगों को आज भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। पुराने जमाने में कोई बीमार पड़ जाता था या किसी को कोई बीमारी होती थी तो उसको डॉक्टर मशवरा ये देता था कि आप शालीमार गार्डन जाओ, क्योंकि शालीमार गार्डन में हमारे जो सूफी बुजुर्ग हैं जो पुराने थे, वो पीर वो मुर्शिद थे, वो ज्यादातर शालीमार में ही रहते। एक ओर कश्मीर में विकास के निशान नजर आने लगे हैं, वहीं आज एक कश्मीर ऐसा भी है जहां कमाने खाने के लिए नक्काशी का पुराना काम ही बदस्तूर जारी है। अखरोट की बदसूरत लकड़ी को खूबसूरत बनाने का काम कितनी शिद्दत से हो रहा है। इस हुनर को सीखने में ही यहां लोगों को सालों लग जाते हैं, मगर ये हुनर कश्मीर की पहचान भी बन चुका है, तभी तो इसका निर्यात विदेशों तक होता है। धीरे धीरे कश्मीर भी आधुनिकीकरण को अपनाने लगा है। मॉल, विदेशी दुकानें तो हैं ही, साथ ही कश्मीरी परिधानों की भी यहाँ खूब बिक्री होती है। हमारे पास रेडीमेड ड्रेसेस होते हैं, अनस्टिच ड्रेसेस होते हैं, सेमी स्टिच होते हैं विद एम्ब्रॉयडरी, डोर सिल्क में होते हैं। यह व्यापार सिर्फ जमी पर ही नहीं, पानी पर भी होता है। कपड़ों से लेकर ड्राई फ्रूट, केसर तक आपको शिकारे में घूमते घूमते ही मिल जाएंगे, यानी कि एक पंथ और दो काज। यही कारण है कि यहाँ पर्यटन को इतना महत्व दिया जाता है, और उसे बचाने में यहाँ आर्मी ने भी काफी मदद की है, मगर लोग सरकार से नाखुश भी हैं। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ हवा से जो पासू तूफान आया, हमने उस वक्त भी टूरिस्ट को बचाया, किसी को डैमेज नहीं करने दिया है, और आज वो आया यहाँ घूमने के लिए, गया आधा एक घंटा देखा इधर डल लेके घूम चुका गया वो, और कुछ नहीं है। बकाया जो है गवर्नमेंट की हमारा तसला है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता। जन्नत की खूबसूरती दिखने में तो खूबसूरत है ही, मगर कहीं ना कहीं इसके अंदर कई राज भी छुपे हैं, जिन्हें जानना शायद उतना आसान नहीं है।